खबर अलवर के कठुमर से है, जहां कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां पिछले दिनों नगला माधोपुर निवासी कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद में मृतक के परिजनों और खेडली सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मियों को होम आइसोलेट किया गया था। अब इनकी जांच में बुजुर्ग के परिजन समेत एक अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत नगला माधोपुर गाँव के 3 किलोमीटर क्षेत्र को हाई रिस्क जोन घोषित किया। इसी के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान अब तैनात किए गए हैं। और इसी खबर पर एक अपडेट के लिए एवन संवाददाता कपिल अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, आपसे जानना चाहूंगी, कठुमर में भी कोरोना की दस्तक यहां पर दे दी गई है, कोरोना ने काफी ज्यादा भयावह माहौल हो गया है, दो लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, क्या अपडेट है आपके पास? जी मैडम, मैं आपको बता दूं, कठुमर कोविड 19 का खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसे की आप जानते हो कि 2 दिन पहले उत्तराखंड के माधोपुर ग्राम में 85 वर्षीय सोहन की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कोरोना में। तो प्रशासन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मी सहित मृतक के परिजनों को होम आइसोलेशन पे दिया था, तो जिनकी रिपोर्ट देर रात को प्रशासन को सौंप दी गई थी, जिसमें मृतक का पुत्र और एक महिला स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इससे ही ग्रामीण क्षेत्र बहुत दहशत में है और ग्राम में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। 3 किलोमीटर का क्षेत्र हाई रिस्क जोन घोषित किया गया है और 3000 सैंपल भी दिए हैं। मैडम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 1 किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आपको बता दें, यहाँ पर कठुमर क्षेत्र की आपको खबर बता रहे हैं, कोरोना के 2 नए पॉजिटिव सामने आए। नगला माधोपुर गांव में पूरा कर्फ्यू यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। 3 किलोमीटर का जो संक्रमित दायरा है, वहां पर हाई रिस्क जोन एरिया उसे घोषित कर दिया गया है।